आमतौर पर महिलाएं अपने पुरुष के लिए हर तरह का व्रत व उपवास करती हैं, मगर पुरुष अपनी स्त्रियों के लिए कुछ त्यौहार रखते हैं, ऐसा कमी सुनने को मिला है। लेकिन इस धारणा को तोड़ते हुए हमारी करौली में सांझी नाम का त्यौहार 16 दिन तक मनाया जाता है। इस 16 दिन में पुरुष अपनी स्त्रियों के लिए रंगोली डालते हैं और खुशहाल जीवन की मंगल कामनाएं करते हैं। सांझी का कार्यक्रम इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जैसे महिला होती है वो पुरुष की मंगल कामना करने के लिए पूरे संपूर्ण साल व्रत उपवास किया करती है। पुरुष महिला के मंगल कामना के लिए, वो अपनी पत्नी की मंगल कामना के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन विशेषकर श्राद्ध पक्ष में जो है पुरुष औरतों के स्वाद के लिए ऐसा करते हैं। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं को हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। पुरुष में महिलाओं के लिए असमानता रख कर बहुत बड़ा है। आमतौर पर रंगोली डालना स्त्रियों का काम है, लेकिन उसके बावजूद भी करौली में पुरुष ही रंगोली डालते हैं और वो रंगोली मदन मोहन मंदिर में डाली जाती है और पुरुष उसको बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं। सांझी जैसा त्यौहार एक समानता का अनुभव लेकर हम महिलाओं में लाता है। आपके पति भी जाते हैं दर्शन करने के लिए? जी हाँ, वो रेगुलर तो नहीं जाते, कभी कभी चले भी जाते हैं। सांझी में भी हाथ लगाते हैं? जी हाँ लगाते हैं। लगाते हैं। अब पुरुष बनाते हैं तो कैसा लगता है अपन को? बहुत अच्छा लगता है, देखने आते हैं लोग बाहर से, इस टाइम इतनी भीड़ रहती है। इस तरह के त्यौहारों को पुरुष व स्त्रियाँ समानता लाने के एक छोटा सा प्रयास कहा जा सकता है। ऐसी ही आस्था रही, लेकिन हम महिलाओं के लिए एक सुखद अनुभव है। सुनीता कसेरा, इंडिया नेट के लिए।